सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल RSAS रवि ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग, दिखाते हैं दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग को लाइक करना दोस्तों, और बेल के आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे कोई भी ब्लॉग अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शगुन और मिष्टी इस समय कहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं दोनों, यानी किचन की रैक जो अलमारी होती है उस पर बैठ के चाय पी है इन्होंने, हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से। गुड मॉर्निंग गाइस, मिष्टी करो हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो दोस्तों, भाभी आटा गूंदने की तैयारी कर रही हैं, चाय हमारी बन गई है, चाय नाश्ता करते हैं दोस्तों, फिर जाएंगे। अब जाएंगे मार्केट घूमने के लिए, आपको दिखाएंगे मार्केट का व्यू, तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों गोपी भाई सो रहे हैं, मम्मी हमारी सुबह सुबह कपड़े धोने लगी हैं, और कुछ नहीं तो ठंड में क्या कह रही है? मशीन है ही नहीं, क्या करें, मशीन लेनी पड़ेगी, लेते हैं दोस्तों। पहले मशीन थी हमारे पास, वो सेकेंड हैंड मशीन ली थी हमने, वो भी काफ़ी टाइम चल गई हमारी मशीन, 2-3 साल चल गई। तो असल में क्या हुआ, मशीन ख़राब होगी, कबाड़ी को बेच दी, नई मशीन लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग करके मशीन का। सो दोस्तों, घर की सफाई होने वाली है कंप्लीट, रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर घर की सफाई होती रहती है, फाइनली घर की सफाई कंप्लीट होने वाली है। किचन में जो मैंने आपको बताया था, पेपर लगने वाले थे दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी, तो दोनों साइड पेपर लग चुके हैं। और जो है इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, पेपर दो प्रकार के लगा दिए हैं, पहले जो पेपर मंगाए थे वो ख़त्म हो गए थे, फिर लगाने के बाद जो है थोड़ा सा एरिया रह गया था, ये सही नहीं लग रहा था, इसलिए फिर चेंज थोड़े से पेपर लेकर आने पड़े। ये बस थोड़ा सा ये है कि पहले से थोड़ा बेस्ट लग रहा है, लेकिन पेपर दो प्रकार के लग गए हैं बस, बाकी देख लें बीच में अगर पेपर ठीक मिले तो दोबारा लगा देंगे इसके अंदर पेपर। बाकी दोस्तों आप भी कमेंट करके बताना, पहले से थोड़ा बेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर। बाकी दोस्तों अंदर कमरे की भी थोड़ी सफाई फाई अभी चल रही है, कुछ टाइम इसमें थोड़ा सा लग जाएगा, अभी सब जने मिलकर कमरे की सफाई फाई कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़े टाइम बाद, बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। और दोस्तों इसी तरह प्यार दिखाते रहो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सब जने मिलकर अभी भी पेपर लगा रहे हैं यहाँ पर ही दरवाजे पर साइड में, ये हैं। तो बाकी ये कि मोटी बुद्धि जो हमारी है, छोटी सी का खुशबू पेपर पर काटने में लगी हुई है, भाभी अपने वो लगा रही है चिपकाने के लिए, ले ही बनाई है वो, ये कटिंग का काम चल रहा है इधर, इधर वाले दरवाजे पे भी लग रही हैं। ये देखिए कुछ पेपर देखो यहाँ पर भी लगाए थे मंदिर में, नीचे लगने थे यहाँ पर, ये सारे लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, ऊपर भी लगाए हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी लगाए हैं दोस्तों मंदिर में। फाइनली दोस्तों, जोनी और मैं, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था जोनी को, तो हम दोनों आए एक मार्बल की शॉप पर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ मार्बल की फुल वैरायटी, कैसे कैसे आते हैं मार्बल। तो हम जो है दीपावली है, तो मार्बल वालों ने बुलाया फ़ोन करके जोनी को कि अपना बोनस वगैरह है वो ले जाना, तो उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ के वैरायटी किस किस तरीके के होते हैं मार्बल, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक मार्बल ही मार्बल रखा हुआ है, सिंपल पत्थर भी मिल जाता है, इस टाइप का ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो भी मिल जाता है, और इसमें जो आजकल नए से नए डिज़ाइन भी आने लगे हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं इस टाइप से। देखिए दोस्तों, ये है डिज़ाइन इसके अंदर, और बिल्कुल चिकना पत्थर होता है इसके अंदर, कोई घिसाई विसाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ये है ब्लैक कलर, ये
बाकी ये प्लेन ब्लैक, आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ये साफ चमक रहा है शीशे की तरह है। तो मैं भी पार दिख रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, कितना प्यारा डिजाइन है इसके अंदर, ये देखो। अब इस टाइप के डिजाइन भी आने लगे पत्थरों में, ग्रेनाइट पत्थर है ये। और एक सामने देखिए कितना प्यारा डिजाइन है, जो सलमाई का जैसे लगती है, स्टाइलिश सलमाई का आती है उस टाइप से लगे हुए पत्थर देखिए। कुछ कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें घिसाई भी कराने की जरूरत नहीं है, जैसे होता है वैसे ही लग जाता है। और दोस्तों एक डिजाइन और दिखा देते हैं आपको, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन नाइट है ये भी, इसमें भी कुछ घिसाई विसाई कराने की जरूरत नहीं है। ये किचन में भी लग जाता है, दीवारों पर भी लगा सकते हो आप इसको। और इसकी मोटाई दिखा देता हूँ, इतना मोटा पत्थर है ये, ना जो थोड़े लुक वाइज पत्थर अच्छे लग रहे हैं। नाम भी ले लियो उधर, दुकान का नाम भी डाल दो, वहाँ डालेगा ये। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल चिकना है दोस्तों पत्थर, देखिए दोस्तों पूरे बंडल इसके पत्थरों के ऐसे उतारे जाते हैं ये। तो इसकी दोस्तों यहाँ का नाम क्या है, मैं नाम दिखाता हूँ आपको। ये है इनका बोर्ड, सौभाग्य मार्बल। अभी देखिए इस तरीके से पत्थर पड़ा हुआ है सारा। आपको अगर कोई भी वैरायटी चाहिए तो इनका नंबर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ ही है, वैसे आप इनको संपर्क कर सकते हैं, रेट का ही पता कर सकते हैं आप कि पत्थर का क्या रेट चल रहा है। टाइल भी है इनके पास, इस तरीके से देखिए दोस्तों, एक से एक बेहतरीन पत्थर मिल जाएगा यहाँ पर। ऐसे घर में लगवाना है आपने तो आप इनको कॉल करके पता कर सकते हैं। इनका नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप पता कर सकते हैं। बाकी दिखाते हैं आपको और वैरायटी, ये देखिए दोस्तों पत्थर की एक से एक बेस्ट वैरायटी होगी इसमें। ये देखिए कितना प्यारा पत्थर है ये वाला, देखिए दोस्तों मार्बल की फुल वैरायटी होगी इनके पास, फुल वैरायटी लास्ट तक लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों वहाँ से वहाँ तक हर तरीके का पत्थर मिलेगा, कम रेट में ही मिल जाएगा, बेस्ट से बेस्ट प्राइस में पत्थर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों इस टाइप से ये कुछ मंदिर भी बने बनाए मंदिर भी आते हैं रेडीमेड मार्बल के बने हुए। ये देखिए इस टाइप से ये किचन में और अपना सीढ़ियों पे पत्थर जो लगता है वो इस टाइप से ज़्यादातर लगाया जाता है, ये वाला डिजाइन। देखिए देखिए दोस्तों इस मार्बल में एक से एक बेस्ट वैरायटी आने लगी है। अब पत्थर के नए से नए डिजाइन आने लगे हैं, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों हम आए हैं यहाँ पर सौभाग्य मार्बल पर, बट मैं जो अपना फ़ोन अपना घर पे ही भूल आया तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने धोनी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों इस टाइप से डिजाइन होंगे इसके, देखो कितना बेहतरीन लग रहा है पीस ये। कुछ ये वाला पत्थर जो था इस पर घिसाई जो थोड़ी कम के करी हुई थी, इस पर जो है कम नंबर वाले ब्लेड लगेंगे तो ये भी अपना बिल्कुल चमकने लगेगा। चलते हैं मार्केट चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो फाइनली दोस्तों हम मार्केट पहुंच गए थे। उस समय बाज़ार में हमने देखा था काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी रश था। धनतेरस पे ये है कि अपना लोग अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे थे। चौराहे पे यहाँ पर जाम भी काफ़ी लगा हुआ था दोस्तों, काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ से वहाँ तक निकलने में, जो कि मैंने इसके आगे का वीडियो शूट नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ब्लॉग को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।